नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज़ के इस वेब पोर्टल पर। हम आपको आज इतिहास की कुछ पन्नों को पलटकर आपको साल 2014 में ले जाने वाले हैं आज, और आपको याद दिलाने वाले हैं कि चूंकि लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं और 2014 में जो यही वक्त था, इस वक्त में उस वक्त क्या हालात थे, हम आपको इस वक्त ये बताने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। भारत में 16वीं लोकसभा के लिए उस वक्त चुनाव हुए थे, यूपीए 2 सरकार में थी और उस वक्त खुलासों का दौर चल रहा था, घोटालों का दौर चल रहा था, आंदोलन का दौर चल रहा था, लगातार आंदोलन किए जा रहे थे, अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर थी, घोटालों को लेकर हमलावर थी, तो एक तरह से उस वक्त कांग्रेस चारों तरफ से घिरी हुई थी। इसमें एक बहुत बड़ी जो एक बात थी, जन लोकपाल की बात हो रही थी, अन्ना हजारे इस पर आंदोलन पर बैठे थे। हालांकि ये बात अलग है कि अब जन लोकपाल की बात कोई नहीं करता है, ना भाजपा करती है, ना कांग्रेस करती है, ना खुद जो जन लोकपाल के दम पर सत्ता में आई है अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी, वो खुद भी उसकी बात नहीं करती है। सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया और उम्मीदवार घोषित होते ही उनका जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो लगातार तेजी से बढ़ता चला गया, क्योंकि वो 15 साल से गुजरात के सीएम भी थे और जो गुजरात में दंगे हुए थे उसके बाद से जो नरेंद्र मोदी थे उनकी जो छवि थी वो एक कट्टर हिंदू की छवि थी और उसके साथ ही उनकी जो छवि थी वो एक विकास पुरुष की छवि थी, क्योंकि उस वक्त गुजरात में विकास भी था, वहाँ पर हिंदुत्व भी था, तो ये सारी चीज़ें रहीं जिसकी वजह से देश में भी लगातार मोदी को 2014 के चुनाव के आते आते लोकप्रियता तेज़ी से उनकी बढ़ती चली गई। हम आपको यहाँ पर एक खास बात और बताने जा रहे हैं कि उस वक्त ये शायद पूरे इतिहास का एक पहला मौका होगा भारतीय राजनीति का, कि उस वक्त 5-5 रुपए के टिकट में लोग नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए जाया करते थे, क्योंकि उनकी भाषण की शैली एकदम अलग थी, जुदा थी, वो सीधे टच करती थी, गरीब आदमियों को टच करती थी, गरीब जनता को टच करती थी, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको टच करती थी, तो उनकी एक भाषण की शैली जो थी उस वक्त वो सीधे सीधे लोगों को अट्रैक्ट करती थी, और यही वजह थी कि जो राजनीतिक पार्टी थी उसके नेता का भाषण सुनने के लिए लोगों ने 5-5 रुपए का टिकट भी लिया था। चुनाव होते होते नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि जब चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम आए, तब एक तरफा भाजपा ने जीत हासिल की और अकेले के दम पर 282 सीटें हासिल की। जो भाजपा थी उसने अकेले ने 282 सीटें हासिल कर दी थी, तो और यही वजह थी कि जो कांग्रेस महज पहली बार 44 सीटों पर पूरे देश में सिमट कर रह गई थी, और उस वक्त जो एक नारा दिया गया था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो कहीं ना कहीं कामयाब होता दिखा और 44 सीटों पर महज सिमट गई थी कांग्रेस। हालात ये रहे कि कांग्रेस 12 राज्यों में जहां पर कभी उसकी तूती बोलती थी वहां पर उसका खाता तक नहीं खुल सका था। आपको यहां ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कांग्रेस का जो इससे पहले का सबसे ख़राब प्रदर्शन जो था 114 सीटों का था, जो सबसे निचले स्तर का उनका प्रदर्शन था वो 114 सीटों का था। हालांकि अगर दूसरी तरफ बात करें भाजपा की भी, इस ऐतिहासिक जीत के बावजूद भी वो 7 राज्यों में खुद भी खाता नहीं खोल पाई थी। बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षण जरूर करना चाहूँगा, साल 2014 के जो चुनाव थे उसमें पहली बार सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल हुआ। हालांकि उस वक्त इंटरनेट इतना बूम पर नहीं था, लोग इतने अवेयर नहीं थे कि इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके, जो शहरी क्षेत्र थे ये इंटरनेट सिर्फ वहीं तक सीमित था, लेकिन आज ये गांव-गांव तक फैल चुका है। और साल 2014 में
जो ट्विटर था, जो फेसबुक था, जो इंस्टाग्राम थे, वहाँ पर भी भाजपा ने बड़ी जीत हासिल कर ली थी और लगातार भाजपा के जो पीएम कैंडिडेट थे नरेंद्र मोदी, उनको लगातार यहाँ पर भी लोकप्रियता हासिल हो रही थी और वो तेजी से यहाँ पर भी अपना वर्चस्व कायम करते हुए दिख रहे थे। यहाँ पर मैं फेसबुक के भी कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूँगा। उस वक्त 22.7 करोड़ इंटरेक्ट जो किए गए थे, जो वो चुनावों से संबंधित थे, फिर चाहे वो पोस्ट करने की बात हो, फिर चाहे वो किसी चुनाव से जुड़े पोस्ट को लाइक करने की बात हो, उसको शेयर करने की बात हो, इन सब को मिलाकर करीब 23 करोड़ यहाँ पर इंटरेक्ट किए गए थे और इनमें से 7.5 करोड़ जो इंटरेक्ट थे वो अकेले मोदी के लिए किए गए थे। बात अगर साल 2014 के चुनावों की हो रही है तो चाय को कौन भूल सकता है। ये चाय वाले गुजरात के सीएम ही थे जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने, जो चाय बेचने वाले के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करना नरेंद्र मोदी का ये पासा भी कामयाब होता दिखा और लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। जगह जगह चाय पर चर्चा होने लगी, जगह जगह लोग इसी तरह की बातें करने लगे। सबसे आखिर में आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से बड़े नारे थे जिन्होंने सीधे जनता को लुभाया और जनता की जुबान पर चढ़ गए थे ये नारे। इनमें से जो सबसे बड़े नारे थे उनमें से एक था कांग्रेस मुक्त भारत, दूसरा था अब की बार मोदी सरकार, और तीसरा और मुझे लगता है सबसे बड़ा जो सीधे सीधे लोगों को अट्रैक्ट किया, सीधे सीधे लोगों के दिमाग में जिसने जगह बना ली, वो था अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हमने ये पुराने लोकसभा चुनाव की बातें, यादें ताज़ा की आपके लिए और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको लगातार राजनीति से जुड़ी हुई खबरें दिखा रहे हैं।